डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1 और ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। इस एक्सरसाइज का कई क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो चुका है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, पेज नंबर 103 में है। 11 से लेकर 14 तक है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है, एंगल 1 यहाँ पे दिखाया गया है, एंगल 2 यहाँ पे दिखाया गया है, और कह रहा है कि क्या ये एडजेसेंट एंगल है, और अगर है तो आप रीजन दीजिए, और नहीं है तो भी रीजन दीजिए। दोनों स्थिति में कारण बतलाना है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं हमने पीछे में देखा है, तो चलिए पीछे मैं आपको दिखाता हूँ एडजेसेंट एंगल में क्या प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ दिया रहता है, स्टूडेंट अगर उसको ध्यानपूर्वक पढ़े तो वो जान जाएगा। यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, 5.2.3 एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे बताया गया है। एडजेसेंट एंगल में वर्टेक्स, यहाँ पे मैंने बताया, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का जो दिया हुआ था उसमें मैंने बताया है, वर्टेक्स इक्वल टू कॉमन होना चाहिए, इसका एडजेसेंट एंगल में वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक ही पॉइंट रहना चाहिए। वन आर्म कॉमन, एक आर्म जो है उसका कॉमन होना चाहिए, ये तो मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे नीचे और लिखा हुआ भी है। तीन पॉइंट है इसके, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए फर्स्ट में बता दिया गया है। दे हैव ए कॉमन आर्म्स, और एक आर्म्स जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया वो आर्म्स भी है, एक कॉमन होना चाहिए। द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के जो नॉन कॉमन है, दो साइड जो नॉन कॉमन है वो ठीक इधर उधर रहना चाहिए। तो ये तीन चीजें जो है इसमें तीन चीजों में से दो चीजें मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे एक कॉमन आर्म तो है लेकिन कॉमन आर्म है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, और उसके नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो कॉमन वर्टेक्स के इधर उधर नहीं है। ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ, अलग अलग है। तो बस इसमें से हम एक रीजन लिख दें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज, इसमें रीजन बतला देना है, बिकॉज देयर वर्टेक्स, देयर देखिए ये देयर लिखना है टी एच ई आई आर, देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। बस ये क्वेश्चन बन गया, इज नॉट कॉमन, इसका वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है उसमें एक्स वाई और जेड ये तीन जगह खाली है जिसे बतलाना है, और यहाँ पे भी इस फिगर में भी एक्स वाई जेड और इसका एंगल बतलाना है, इसका एंगल जो है क्या होगा और किस तरह से ये बनाया जाता है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फिगर तो आपको दिख ही रहा है। देखिए यहाँ पे फिगर देख के आपको पता चल रहा होगा ये 55 डिग्री है, तो इसके ठीक अपोजिट में, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं, उस नियम से एक्स भी 55 हो जाएगा, और फिर हम y को ले लें और इसको ले लें, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर के आधार पे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 55 डिग्री, क्यों लिख दिए, इसके पीछे हम रीजन लिख देंगे इसका। तो रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें लिख देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस नियम के आधार पे x इक्वल टू 55 डिग्री आ गया।
अब हमें y निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। किस आधार पे हुआ इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये लीनियर पेयर के आधार पे हुआ, ये हो गया। तो y हम निकालेंगे, ये इक्वेशन की तौर पे हो गया, y इक्वल टू 55 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना हो गया, अगर हम इसमें से 60 माइनस कर देते तो 120 बचेगा और 5 उसमें ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा निकल गया 125 डिग्री। अब हमें y निकल गया तो हम z को निकाल सकते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल होता है, तो y जितना है z भी उतना ही हो जाएगा। तो हम z इक्वल टू लिखते हैं z इक्वल टू y इक्वल टू 125 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा हुआ। तो हम इसको इस विधि को लिख देते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे पूरा लिखे हुए हैं, एंगल्स होगा यहाँ पे एस लगेगा, एंगल्स ये हो गया। अब सभी चीज़ आ गया, एक्स वाई और जेड भी आ गया, तो हम यहाँ पे देयरफोर करके लिख देते हैं, देयरफोर एक्स इक्वल टू 55 डिग्री कोमा लगाएंगे, फिर वाई इक्वल टू 125 डिग्री एंड जेड जेड इक्वल टू 125 डिग्री, ये कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए इसको समझना काफ़ी आसान है, ये सीधी लाइन है और एक सीधी लाइन यहाँ पे है, ये एक्स्ट्रा एक रेज दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे 40 डिग्री हो गया, इसके ठीक अपोजिट में जेड आ रहा है, ये 40 डिग्री है तो जेड भी 40 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम वाई निकाल सकते हैं या एक्स भी निकाल सकते हैं, तो जेड पहले निकल जा रहा है और इसको निकालने के लिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे, ये सीधी लाइन हो रही है तो इसके माध्यम से जो है ये 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए मैं बनाकर दिखाता हूँ फिर आपको पता चलेगा। देखिए फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं जेड इक्वल टू 40 डिग्री, जेड इक्वल टू 40 डिग्री, ये इस माध्यम से बना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं, एंगल्स हो जाएगा, इस माध्यम से जेड का वैल्यू निकल गया। अब जो है या तो हम एक्स निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं, दोनों को निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे वाई निकाल लेते हैं, ये सीधी लाइन बनाएगा, ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल हो जा रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो यहाँ पे जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे होगा, लीनियर पेयर के द्वारा होगा, तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर लिख देते हैं, लीनियर पेयर, जेड हमारे पास 40 है और वाई प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालना है, 180 डिग्री हो गया, वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा 40, 80 में से 40 चला गया तो 40 बचेगा, इसका मतलब है कि 140, वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 140, y निकल गया, एक हमें निकालना है, x निकालना है, x हम इस तरह से निकालेंगे, ये सीधी लाइन है, इस पर 40 और 25 दिया हुआ है, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 40 प्लस x प्लस 25, 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसका क्या रीज़न देंगे, इसका रीज़न एक सूटेबल रीज़न हम दे सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन ये हो गया इसका रीजन। अब ये इक्वेशन के रूप में है, इसको हम ऐड कर देते हैं, 40 और 20 60 और 5 65 हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
65 डिग्री प्लस एक्स हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एक्स निकालना है तो एक्स को रखेंगे और 65 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 60 माइनस करते हैं कितना बच जाएगा 20, और 5 माइनस करेंगे तो 115 हो जाएगा, 115 डिग्री। तो हमें एक्स मिल गया, वाई मिल गया और जेड भी मिल गया, और अंत में हम इसको लिख देंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू 115 डिग्री, वाई इक्वल टू 140 डिग्री एंड जेड इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया और ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13, क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, हम इसको यहाँ पे भर सकते हैं अगर पेंसिल हमें मिल जाए। इसको पहले पढ़ते हैं। इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर दो एंगल 90 डिग्री है, उसका सम मतलब जो है वो 90 डिग्री का है, तो देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तो उसका माप क्या होगा। कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट, तो सेम वही चीज बोल रहा है लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 डिग्री। ये हो गया। अब इसको ध्यान से पढ़ना है। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, जब देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर टू एंगल्स, एक ये है एक ये दोनों जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, एस यू डबल पी एल ई एम ई एन पी ए आर वाई, सप्लीमेंट्री। ये हो गया। उसके बाद इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए, सेम वही चीज कह रहा है, उलट के कह रहा है, ठीक है, उलट के कह रहा है। दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब दो एडजेसेंट एंगल मिल के सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री बनाते हैं, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर पेयर बनाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर कर देते हैं, लीनियर पेयर, कंप्लीट। फिफ्थ नंबर में इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सपोज कि ये यही लाइन है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन दे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है हमेशा इक्वल होता है, 55 के इक्वल ये होगा और y के इक्वल z होगा, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, इक्वल, ये हो गया। लास्ट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। देखिए यहाँ पे इतना लंबा लिखा हुआ है लेकिन इसको आसानी से समझना है। देखिए यहाँ कह रहा है कि अगर इस तरह का इंटरसेक्ट करता है तो उसका पेयर बनता है, ये पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल में और फिर ये पेयर हो गया। तो अगर एक पेयर जो है वो एक पेयर फर्स्ट पेयर जो है एक पेयर फर्स्ट सेकेंड, इसमें कुछ नहीं होता, किसी को भी फर्स्ट रख सकते किसी को भी सेकेंड। तो यहाँ पे ये पेयर जो है वो अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल्स ये दोनों इक्वल हो गया, 55 एक्यूट होता ही है, तो फिर ये दूसरा एंगल जो है वो किस प्रकार का एंगल हो जाएगा, तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये 90 से कम है तो ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल लिख देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स, बस ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे 14 ये फिगर बना हुआ है और इसमें से हमें जो नाम यहाँ पे कहा गया है उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज वर्टिकली, ऑब्ट्यूज का मतलब ये कह रहा है कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकालना है इसमें से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिगर जो है आपको ध्यान से देखना है, पेपर मैंने ले लिया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इधर और इधर इस तरह से ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे दो सीधी लाइन है ए सी और बी डी, ये एक एक्स्ट्रा रेस दिया हुआ है ओ ई, यहाँ पे दो सीधी लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल होगा और इधर का ये और इधर ए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है,
इधर दोनों तरफ, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। तो इसमें आपका बन गया एंगल AOD, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे AOD लिखा हुआ है, DOA भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, ठीक है। अगर आंसर में ऐसा लिखा हुआ हो तो फिर ये मत समझना कि ये गलत लिखा हुआ है, नहीं, ये दो तरह से लिखा जाता है, मैं पहले बतला चुका हूँ। उसके बाद जो है BOC, एंगल BOC, हो सकता है कि BOC के जगह COB लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये सही होता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट इसका लेते हैं, क्या कह रहा है, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए यहाँ पे एडजेसेंट होना चाहिए और कंप्लीमेंट्री, इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ये एडजेसेंट साथ में जो एंगल होता है उसको, तो एडजेसेंट ये यही पेयर है, देखिए AOB यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ऐसे गया यहाँ से BO और ये सीधा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ बनाते हैं ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे जो है कॉमन आर्म नहीं है, और अगर कॉमन आर्म हम OD को लेते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसका मतलब ये है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल AOB, और एक एंगल हो जाएगा AOE, एंगल AOE, ये हो गया। थर्ड पार्ट लेते हैं यहाँ पे, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है, और उसको अगर इक्वल इक्वल हम पार्ट में बांटते हैं तो वो 90-90 का बनेगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन है OE, इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को BD को इक्वल बांट रहा है, दो एंगल चाहिए सप्लीमेंट्री में, तो यहाँ पे दो एंगल हमें मिल रहा है BOE और EOD, यही बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल BOE और कोमा लगा के EOD, एंगल EOD, ये बन गया। उसके बाद फोर्थ में लेते हैं, ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है, यहाँ सभी जगह एक एक पेयर, हो सकता है कि किसी में हमें एक पेयर या दो पेयर इससे ज़्यादा मिले हमें। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन उसका इक्वल नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री और 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो एक एंगल हो जाएगा BOA या AOB लिख सकते हैं, तो ये एक छोटा एंगल हो गया, और बाकी जो बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक AOD, तो वो बड़ा एंगल हो गया, और ये इस सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल AOB, उसके बाद AOD कोमा दे देंगे, एंगल AOD, ये हो गया। उसके बाद इस लाइन को अगर हम लेते हैं, हम यहाँ पे एक इस तरह का कोमा लगाएंगे, अगर इस लाइन को लेते हैं, स्ट्रेट लाइन को OAC, तो हम यहाँ पे एक एंगल हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, एक एंगल छोटा हो जाएगा, तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री हो गया। तो हम इसमें और पेयर लेंगे AOD, एंगल AOD कोमा दे देंगे, और DOC, एंगल DOC, इसके अलावा और भी पेयर इसमें बनेगा, कौन सा पेयर बनेगा, DOC और COB, ये स्ट्रेट एंगल का इधर से बनेगा, एंगल DOC और DOC COB COB, इसमें और एक बन सकता है COB और BOA, सी इसी को लिखेंगे COB और एक BOA, इतना पेयर बन रहा है। सारे पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, आप दो पेयर भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो है फाइव नंबर का हम लेते हैं यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए, मतलब कि 180 डिग्री नहीं बनना चाहिए। एडजेसेंट एंगल, साथ वाला एंगल जो होता है, तो ये देखिए ये एडजेसेंट एंगल जो है यहाँ पे ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, इसमें ये तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल AOB और AOE, एंगल AOE,
यहाँ पे हम इस तरह का कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जो है ये एडजेसेंट एंगल है और यहाँ पे कोई भी लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, ए ओ ई एंगल, ए ओ ई और एंगल ई ओ डी, ई ओ डी ये हो गया। और देखते हैं अगर है तो यहाँ पे ई ओ डी और डी ओ सी ये कोई लीनियर पेयर तो नहीं बना रहा, एडजेसेंट एंगल भी है, एंगल ई ओ डी डी ओ सी डी ओ सी ये हो गया। इसके अलावा और इसको लेते हैं तो नहीं होगा, इसको नहीं, मतलब इतना जो है इतना ही होगा, इतना जो है इसमें पेयर बन रहा है एडजेसेंट एंगल जो कि लीनियर पेयर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।